ये हॉल है, अच्छा खासा ठीक ठाक हॉल है, पेंटिंग वेंटिंग हुई है। ये जगह फ्रिज की है, सामने कमरा है, इधर एक कमरा है, इधर किचन है, इधर बाथरूम है और एक कमरा इधर है। ये वाला कमरा है जिसके साथ अटैच बाथरूम है सामने। ये अटैच बाथरूम है, ये इंडियन स्टाइल बाथरूम है, देख लेते हैं एक बार। ये इंडियन स्टाइल बाथरूम है, बिल्कुल छत भी ठीक ठाक है, कहीं पर कोई सीलन या कुछ ऐसा नहीं है इधर। इसको बंद करते हैं। अभी जो लोग यहाँ रह रहे थे उनका कुछ सामान है, बट ये सामान चला जाएगा, इसका कोई चैलेंज नहीं है। इस कमरे में शेफ्ट है, ऊपर वेंटिलेशन है, यहाँ से आप हॉल में आते हैं, ये मेन डोर है, यहाँ पर एक बड़ी खिड़की है जो शेफ्ट में खुलती है। और यहाँ पे आइए, यहाँ पर एकदम सही सलामत लगा हुआ है आपका टाइल्स वगैरह। यहाँ पर किचन है, ये किचन है जिसमें अभी है, लेकिन जब आप कोई भी लेना चाहेगा तो ये सब तो एक घंटे में हट जाएगा। ये बड़ी खिड़की है, ठीक ठाक हवा भी आती है क्योंकि ऊपर है थोड़ा सा, कहीं पे कोई सीलन वगैरह नहीं है। यहाँ पर आते हैं तो इधर एक कमरा है, इधर एक कमरा है और इधर एक वॉशरूम है, वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है। ये है वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम। बाहर आते हैं तो ये एक रूम है, ये भी अलमीरा वगैरह रखा हुआ, वो हट जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ठीक ठाक बड़ा रूम है, ये बालकोनी की तरफ इधर से एंट्री है, ये बालकोनी है, इसमें जाली लगी हुई है और अच्छी खासी निकली हुई है, तो सेफ है और जाली है। वापस ये दूसरे कमरे से भी बालकोनी की एंट्री है, यहाँ से अपन चलते हैं। ये दूसरा कमरा है, एकदम नीट एंड क्लीन, चकाचक फ्रेश। और ये बाहर की खिड़की है, ये इधर से भी एक एंट्री है बालकोनी के लिए, तो यही है भाई, ये मेन रोड है, इधर देख सकते हैं आप, ये सीधा तैयब मस्जिद 8 नंबर पर जाती है और इधर 8 नंबर बंद होती है।